हाय गाइस तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों वापस से स्वागत करते हैं कौन नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हो, आई होप सब बढ़िया होगे अपनी लाइफ स्टाइल में। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त। तो आज है 3 तारीख और मैं यहां से निकल रहा हूं। अभी मैं हूं इस वक्त गुप्तखा से और मैं जा रहा हूं गौरीकुंड, जो कि यहां से 29 किलोमीटर है। और ये रोड देख रहे हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। तो आज कोशिश करता हूं 10 से 15 किलोमीटर चलने की, क्योंकि मेरे पास वजन भी तो है। तो आपको मैं गौरीकुंड में जाके अपडेट देता हूँ अभी वहाँ का क्या सीन है और क्या सिचुएशन है, क्या व्यवस्था है। सो मैं निकल रहा हूँ और जो नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस बार मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ 2024 में बाबा केदारनाथ धाम के। तो बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर नेटवर्क इशू हो जाता है तो प्लीज़ वेट किया करें वीडियो को और अनसब्सक्राइब मत किया करें। तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट शेयर कीजिए। चलिए फिर अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि तो पैदल जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ धाम। तो बोलो हर हर महादेव। तो गाइस देख रहे हो धूप कैसे है और हमें एकदम खड़ी चढ़ाई। देखो गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं ये भाई, वो देखो एक गाड़ी कहाँ जा रही है, वैसे ही चढ़ते हुए जाना है। गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है और सोच लो हम वजन लेकर के पैदल जा रहे हैं तो मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। गाइस विद्या धाम आश्रम है, जो कि यहाँ पे आपको रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है और यहाँ पे संतों का निवास होता है और खाने पीने के लिए भी मिल जाता है। तो हम यहाँ पे रुके हुए थे और ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा विद्या धाम आश्रम अन्न क्षेत्र, तो आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं, ऑन रोड मिल जाता है, क्योंकि तो बाबा केदारनाथ धाम की जब जाते हो रास्ते में जाते हो तो मिल जाता है। तो फिर अभी फ़िलहाल अभी यहाँ से निकल लें और भाई मौसम देखो कैसा है, और ऐसे चढ़ते हुए जाना, गाड़ी देख लो कैसे जा रही है एकदम खड़ी चढ़ाई। तो ये देख लो गाइस मेरे जूते चोरी हो गए थे, तो एक फिर लोगों से हेल्प मांगा था और भैया लोगों ने हेल्प कर दी। तो बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी भाइयों का, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं ज़िंदा हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि एक मुकाम हासिल कर लूँ, और गरीब घर से हूँ तो आप सपोर्ट करोगे तो शायद मैं किसी के काम भी आ सकता हूँ आने वाले टाइम पर। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अभी हम जा रहे हैं इधर ऐसे रास्तों में, तो रोड तो फ़िलहाल अब सही हो गई है, बाकी आपको आगे जाके क्या है सिचुएशन वो अपडेट देता रहूँगा। ये देखो भाई घोड़े खच्चर जा रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं और जो तैयारी है ज़ोर शोर से चल रही है। तो यहाँ से ये सारे घोड़े जो खच्चर जा रहे हैं केदारनाथ धाम जा रहे हैं, ताकि जो लोग चल नहीं सकते उनकी हेल्प हो जाए और वो भी दर्शन कर सकें। तो हर हर महादेव। ये देखो भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये देखो नज़ारा कितना ऊपर आ चुका हूँ, पैदल चलते चलते यहाँ पे आ गया और आसपास कोई नहीं है, मैं ही चल रहा हूँ। तो एक आधी गाड़ियाँ दिखाई दिख गई, ये गाड़ी दिख गई हमको। ये देखो हम इस रास्ते से आ रहे, ये एकदम कच्चा रास्ता बीच में, फिर ये अभी सीढ़ियाँ मिल गई। तो रहा हम गए थे मंदिर पर रुकने के लिए, भूख लगी थी, 12 बज गए, हमने कहा खाना खा लेते हैं। तो मंदिर दिख गया माता मंदिर, तो ताला लगा हुआ था, गांव वालों ने बोला यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो हमारे साथ मोए मोए हो गया यार, अब नीचे फिर रोड में जा रहे हैं और अब देखते हैं कहाँ पे मंदिर मिलेगा तो फिर रुकेंगे। ये देखो भाई रोड बन रही है, फाटा पहुँच चुका हूँ। तो मैं रास्ते में जा रहा था, फिर ये भैया ने कोल्ड ड्रिंक दिया, तो ये भैया की तरफ से फाटा आ चुका हूँ। हाँ गर्मी में हालत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गया, तो भैया ने भी कोल्ड ड्रिंक दिया, बोले बैठ जाओ थोड़ी देर। अभी मैं फाटा में हूँ और ये देखो रोड का काम चल रहा था, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है और देखो काफ़ी टाइम बाद नल चला रहे हैं, पानी भरने आए हम यहाँ पे 1/2 किलोमीटर दूर यहाँ पे रुके हैं। पानी वहाँ पर था पर तोड़ दिया लोगों ने, तो यहाँ 1/2 किलोमीटर दूर पानी भरने आए, बहुत हालत ख़राब हो रही यार। तो काफ़ी टाइम बाद हम जाएं, नल चलाया है आज, चलो चलते नीचे जहाँ पे सामान लगता है। तो भाई ये माता जी का मंदिर है, दुर्गा माता मंदिर, तो हम नीचे रुके हुए हैं। भाई 1/2 किलोमीटर पार से पानी लेके आना तो हाथ जवाब देगा, पहले तो बैग लेके आओ, पहले बैग लेके आओ फिर एक बाद पानी। तो इसलिए रुक गया यहाँ पर क्योंकि छत मिल गई रुकने के लिए और सामने बाथरूम है। ये देखो टोटी लगा है, तो ये रोड बना रहे हैं, इनको इन्होंने टोटी तोड़ दिया तो इसमें पानी नहीं आ रहा है, देखो तो ये समस्या हो गई। तो 1/2 किलोमीटर था, हमने कहा चलो क्या करें, आगे समस्या होती थी, अच्छा यहीं पे मंदिर दिख गया, हम रुक गए। शाम को बज रहे हैं 4,
और ये यहाँ पे आके रुक गए। अब यहीं पे तंबू लगाएंगे, पैक करते हैं सामान। और प्लस बात पता है क्या, ये हमें पावर बैंक की जगह हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लाइट मिल गई यहाँ पे चार्जिंग के लिए, यहाँ पे लाइट भी है। तो हमें तीन कारण मिल गया रुकने के लिए, ऑन रोड मंदिर प्लस इसके बाद हमें पानी मिल गया और बाथरूम मिल गया और चार्जर मिल गया, भाई चार कारण हो गए। तो अभी मैं फाटा में हूँ, आज यहीं पे रुक रहा हूँ मैं। और ये जंगल है, ये देख रहे हो, नहीं तो नीचे जंगल में भी जा सकते हैं। तो जंगल भी, वैसे जंगल जाने की ज़रूरत ही नहीं, सामने बाथरूम बना है बस वहाँ जाना है। और ये मंदिर है, चलो कैंप लगाते हैं। तो गाइस ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मतलब टाइगर वगैरह आता है, पर हम आपको एडवेंचर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो कि करते हैं। तो मेहनत लगती है, तो उससे पहले बोलूँगा कि लाइक सपोर्ट शेयर कर देना। और मैं केदारनाथ धाम जा रहा हूँ, तो मैं फाटा आ चुका हूँ, तो यहाँ पे ना कैंपिंग करने जा रहा हूँ। चलो आज आपको दिखाता हूँ कैंप कैसे ओपन करके लगाता हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा कैंप लग के रेडी हो चुका है, और शाम भी अच्छी खासी हो गई, शाम को 6:30 शाम को 6 बजने वाले हैं। और वो माता का मंदिर है, तो मंदिर की आरती वगैरह होगी तो आपको दिखाएंगे। तो शाम होने वाली है, तो मैं ना अपने लिए खाना बना लेता हूँ क्योंकि लाइट का पता नहीं। तो ये चूल्हा रखा है, देखो बना हुआ है, और लकड़ियाँ भी हैं, पत्तों से जलाते हैं आग और अपने लिए चावल रेडी करते हैं। चलो फिर बर्तन भी देखो रखे हैं, अगर इसमें चाहो तो बना सकता हूँ, पर इसमें क्या टाइम बहुत लगेगा, तो अपने बर्तन में फटाफट करते हैं चलो फिर। और पानी तो जो कि मैं लेके आ ही चुका हूँ, आधा किलोमीटर गया था भाई पानी लेने। तो ये देख सकते हो ये फाटा सिटी है, आगे मार्केट एरिया है और ये रोड बन रही है। तो कच्चे रास्तों में पैदल चलना बिल्कुल ख़राब होता है, धूल धक्कड़ और पहाड़ गिरते रहते हैं। तो देख सकते हो कैसा मतलब हमारा पहाड़ है, यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। तो मोल लेते हैं आप लोगों के लिए, तो जितना मैं मोल लेता हूँ आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है, आप ही सब कुछ मेरे हो, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मेरी फैमिली भी आप हो, भाई बहन सब आप ही हो, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सपोर्ट शेयर कर दिया करो, हाथ जोड़ के विनती है। आज हम पता क्या बनाने जा रहे हैं, आज हमने की दाल की खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। ये देखो हमारे पास चने की दाल है और चावल है, हमने मिक्स कर दिया है, और ये नमक है। तो पहले पानी से धो लेते हैं, फिर इसके बाद रेडी कर लेते हैं आग के लिए। हमारा चूल्हा जल गया है और इसमें पहले मिट्टी लगाया है, क्योंकि ये वाले बर्तन नहीं हैं गैस के लिए हैं, तो हमने इसमें मिट्टी लगाया, फिर इसको दिया चढ़ा, और चूल्हा जल रहा है हमारा धीरे धीरे। तो अब पकने दो, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं पकने के बाद का क्या है। दोस्तों सबसे कठिन काम है चूल्हा जलाना, और उसके बाद आग से हवा से बचाना, हवा के कारण चूल्हा नहीं जल पा रहा। अभी ये मैं बांस ढूंढ के लाया हूँ तो ये जल पा रहा है, और ये देख रहे हो बांस ही बांस जल रहा, फटाफट जलता है, तो लकड़ी की जगह बांस जल रहा है, इसको लगाया काम ही नहीं आया। सो फाइनली मेरा चूल्हा जल गया है, और आई होप जल्दी से पक जाए खाना मेरा। तो हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका है, ये देखो ये हम खाते हैं और ये ऐसे सर्वाइव करते हैं। ये हमारा कैंप है, ये हमारा खाना है, तो बहुत मेहनत लगी है यार। लोगों को जितना देसी खाना पसंद है ना, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क ये इसे जलाना, ये एक बार जल जाता है ना तो फिर इंजन के तरीके जलता रहता है, और मेहनत लगी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट शेयर करना। तो गाइस शाम का मौसम देखो कितना प्यारा है मौसम, और यहाँ पे भाई लोग आए हैं एंजॉय करने के लिए शाम का टाइम। और ये मंदिर का एंटर होता है, ये रोड बन रही है देख रहे हो। तो अभी यहाँ पे आरती वगैरह नहीं होती, सिर्फ दिया जलाते हैं, क्योंकि काम चल रहा है ना, तो डस्ट बहुत उड़ती है, साफ सफाई करनी होती है। अच्छा देख रहे हो कितनी भयानक गर्दा पड़ी है, गंदगी है इसीलिए। और ये माता का मंदिर है, जय माता की। तो अभी यहाँ ना साफ सफाई का, इसलिए सब दीपक जलाते हैं।
तो दर्शन करो और लोगों के साथ मैं लोकल घूमने जा रहा हूँ फाटा में। गाइस ये फाटा मार्केट है जो कि आप देख रहे हो, कुछ खुली है कुछ बंद है। तो जैसा सीजन आ रहा ना, तो धीरे धीरे दुकानें कंटिन्यू रात के 9, 10, 11 तक भी खुल सकती हैं। और जब सीजन ऑफ हो जाता है तो इतने टाइम सब भाग जाते हैं घर। तो अभी ये सारे हमें लोकल के भाई लोग मिल गए, तो अभी ये भैया बोले कि आ जाओ घूमने चलते हैं। हमने चलो, मैं इनके साथ आ गया और ये भाई साहब ने ही हमको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। भैया आपका नाम बता दो। अंशुमान। अच्छा, भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, एकदम बड़े भैया के तरीके मैंने ट्रेड, छोटे भाई के तरीके इन्होंने ट्रेड किया। नहीं भैया, तो ये मार्केट है, देख सकते हो कुछ बंद है कुछ खुली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं जरूरतमंद है ना, तो ये मार्केट है। और यहाँ से टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है अगर आप गौरीकुंड के लिए जा रहे हो तो। गौरीकुंड वैसे यहाँ से कितना होगा? गौरीकुंड यहाँ से 19 किलोमीटर है। तो भाई अगर किसी को डोली यहीं रुकती है, और एक दिन डोली यहीं पे रुकती है बाबा की, जब केदारनाथ की डोली होती है ना, गुप्तकाशी फिर फाटा, फाटा से फिर गौरीकुंड। तो ये देखो नज़ारा, ये देखो पुरानी फोटो केदारनाथ बाबा की, देख लो कहाँ तक बर्फ पहुँच जाती है। ऐसे होता है तो महादेव बाबा ऐसे रहते हैं, मतलब एकांतवास 6 महीने की एकांतवास ये होती है महादेव जी की। और ये पूरे भारत का वर्ल्ड का मैप है, इसमें पूरा देख सकते हो हर एक कंट्री। और ये अपने उत्तराखंड का मैप है। बाकी ये भाई लोग मैच खेल रहे हैं, तो जो जीतेगा वही सिकंदर होगा है। बाकी ये भैया की दुकान है, तो हम केदारनाथ में भैया से मिलेंगे। भाई पहाड़ों में ये चाउमीन खाने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी टाइम बाद खाने जा रहे हैं। कम से कम 1 साल हो गए होंगे मुझे ट्रैवल करते हुए, पर मैं काफ़ी टाइम बाद खा रहा हूँ मैगी। देख लो 1 साल बाद वही पहाड़ों की, सारे भाई लोग हैं ये देखो। चलो एंजॉय करते हैं। तो यार गाइस, जो भैया ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी ना, वो सभी भाइयों ने मुझे घुमाने के लिए ले गए। फाटा घुमाया, मार्केट दिखाया और चाउमीन बर्गर जो भी था, चाउमीन मोमोज खिला दिया, तो मेरा पेट फुल हो गया। मतलब शाम का नाश्ता तो पेट फुल हो गया ना, तो अब भूख बिल्कुल भी नहीं है। और सभी ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सदा आभारी रहूँगा आप सभी का, ऐसे ही बस सपोर्ट बनाए रखो ताकि एक गरीब का भी मतलब सपना पूरा हो सके। और लाइक एंड सपोर्ट शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं। और कल आपको हम यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, तो कल आपको यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना कैसा रहा एक्सपीरियंस बताऊंगा। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।